खास पेशकश में आपके साथ हूं मैं लवी नराज। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की खबर सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। इससे पहले भी आप कई खबरों को देखकर सुनकर हंस चुके होंगे, लेकिन इस खबर को देखकर आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक महिला ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग कर दी है। खबरें तो आपने बहुत सी देखी होंगी जिन्हें देखकर आपको हंसी आई होगी। राहुल गांधी को प्रपोज करने वाली खबर हो या फिर किसी नेता के नाम प्यार का खत। आधुनिकता के इस दौर में हर कोई अपना नाम खबरों की दुनिया में वायरल कर देना चाहता है। खबरों की दीवार पर अपना नाम लिखना चाहता है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये खबर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एक महिला ने गांधीगिरी के जरिए एक गंभीर मामले पर जो संदेश दिया वो अपने आप में बड़ा खास है। दरअसल मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आगर की रहने वाली बसंतीबाई नाम की एक महिला ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक खत लिख दिया, जिसमें महिला ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कर्ज देने की मांग की है। दरअसल पत्र में यह कहा गया कि पड़ोस वाले खेत के मालिक ने उसके खेत का रास्ता बंद कर दिया और इस वजह से वो अपने खेत में नहीं जा पा रही। बसंती बाई का पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला के रिश्तेदार विनोद कहते हैं कि शायद पत्र के जरिए बसंती बाई की समस्या का समाधान हो जाए। पूरे मामले पर स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने महिला की मदद की बात कही है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि महिला इतनी परेशान है, इतनी प्रताड़ित है कि इसको खेत पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं महिला की पूरी मदद करूंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं दिलवा सकता। मैंने एसडीओ गरोट को बताया है, वो उनके इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली उनके खेत पे जाने का एक रास्ता है और एक दूसरे रास्ता पर उनको पड़ोसी से विवाद है, तो तहसीलदार सामगढ़ उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के पास जाना और उसको आवेदन करना, राष्ट्रपति महोदय को आवेदन करना, ये उसका अधिकार भी महिला का, क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र है, वो पंच से लेकर के और राष्ट्रपति तक आवेदन कर सकती है। क्या मदद करेंगे कुछ आप? निश्चित रूप से, अगर 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 महिला इतनी परेशान है, इतनी प्रताड़ित है और उसको खेत पर जाने का रास्ता अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हो रहा है या कहीं उसमें गतिरोध आ रहा है, अवरोध खड़े हो रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से उस महिला की पूरी मदद करूंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर तो मैं नहीं दिलवा सकता हूँ। इसे महिला की नासमझी कहें, किसी और का बहकावा या फिर अपनी बात को एक अलग अंदाज में कहने का तरीका, जो भी हो, लेकिन देश के प्रथम नागरिक को इस तरह का खत लिख पाना उनकी गरिमा के लिए भी बेहतर नहीं है। ऐसे में हम सभी को माननीय राष्ट्रपति की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।